हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको परफेक्ट वे में मूंग स्प्राउट कैसे बनाते हैं इसके रेसिपी बता रही हूँ, जो बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं। परफेक्ट मूंग दाल स्प्राउट बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंग का डाल लिया है। इसको मैंने साफ करके रख लिया है और अभी इसको एक बर्तन में ले लेंगे और 2 से 3 बार इसको अच्छा साफ पानी में वॉश कर लेंगे। इसको मैंने एक बर्तन में ले लिया है और अभी इसको 3 से 4 बार वॉश करेंगे। इसको पानी डाल के अच्छे से रगड़ के धो लेंगे पहले 2-3 बार, जो भी इसका डस्ट रहेगा आराम से निकल जाएगा। और अब ये पानी चेंज करके और एक बार धो लेंगे। कम से कम 2 बार तो आपको धोना ही है इसको। ये मैंने 2-3 बार धो लिया है और अभी इसमें हम पानी डाल के इसको भिगाने के लिए रख देंगे। पानी थोड़ा अच्छा ज़्यादा डाल देंगे क्योंकि ये इसे डबल ट्रिपल साइज़ में हो जाता है भिगने के बाद। इसे 3 गुना पानी हम डाल देंगे और अभी इसको 6-7 घंटे के लिए ऐसे ही भिगाने के लिए रख देंगे। ये देखिए 7 घंटा हो गया है मूंग को भिगा के और इसका मैंने ऑलमोस्ट पानी निकाल दिया है। और अभी एक बाउल लिया है मैंने और इसमें एक कॉटन का कपड़ा बिछा दिया है। कॉटन के कपड़ा नहीं है तो आप किचन टॉवल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो रुमाल भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें ये पानी हम पूरा मूंग डाल देंगे, उसमें से पानी पूरा निकल जाएगा। पूरा मूंग मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और अभी इसका एक पोटली जैसा बना लेंगे और इसको बांध कर लटका देंगे। ये देखिए इसका जितना भी पानी था पूरा पानी निकल जाएगा और हम इसको लटका देंगे। आप दिन में इसको भिगाइए और रात में आप इसको ऐसा बांध के लटका दीजिए, सुबह तक एकदम अच्छे से इसमें पीक आ जाएगा और हमारे स्प्राउटेड मूंग बन जाएंगे। अब इसको बांध के लटका देते हैं। देखिए मैंने ऐसा इसमें गांठ मार दी है और ऐसा ये पोटली जैसा बना दिया है। अभी इसको हम लटका देंगे। ये देखिए हमारे स्प्राउट्स बनके तैयार हो गए हैं। 12 से 13 घंटा हुआ है और कितने अच्छे स्प्राउट्स आ गए हैं ये देखिए, और थोड़ा भी चिपचिप नहीं है, एकदम फ्री है। अभी इसको आप भाजी में बनाने के लिए, सलाद बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे स्प्राउट्स बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही इजी है बनाने के लिए और बहुत ही हेल्दी है इस तरीके से मूंग का स्प्राउट्स खाने के लिए। मूंग दाल स्प्राउट्स की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।